हे एवरीवन, मैं सपनिक बफी से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ओपन सीक्रेट डायरी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप फेस को कॉन्टूर और हाईलाइट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग होता क्या है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये दो फंक्शंस को हम करेक्टिव मेकअप टेक्निक्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपके चेहरे में कोई फीचर अगर आपको पसंद नहीं है या कोई फीचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो आपको वो करने में हेल्प करता है। बेसिकली कॉन्टोरिंग में क्या होता है, शेडो करते हो आप, मतलब उस चीज़ को ढक देते हो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आपकी शक्ल पे। और हाईलाइटिंग में आप क्या करते हो, उन चीज़ों को हाईलाइट करते हो जो आपको, उन फीचर्स को हाईलाइट करते हो जो आपको पसंद है, या फिर उन जगहों पे हाईलाइट करते हो जहाँ लाइट डायरेक्टली पड़ती है। फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक, और आप अगर कॉन्टोर है आपके पास तो यूज़ कर लो। मेरी ये लिपस्टिक मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इसको कॉन्टोर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि आपके स्किन टोन से दो शेड आप डार्कर कलर लें। तो ये रहा, मैं इसे खोल रही हूँ और हमें कैसे अप्लाई करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कान के इधर से एंड नीचे लाना है। आपकी ये कॉर्नर जो आंखों का वो है वहां तक, इधर हम नोज के पास करते हैं। नोज को आप कितना पतला या कितना चौड़ा दिखाना चाहते हो आप इससे कर सकते हो। अगर आप अपनी लिप्स को थोड़ा पाउट दिखाना चाहते हो तो यहाँ और यहाँ लाइन खींचोगे तो ऐसा करने से लगेगा कि आपकी लिप्स पाउट काफी ज्यादा बाहर निकले हुए हैं। यहाँ और ये कॉर्नर्स, ये आपका डबल चिन ढकने के लिए और ये आपके फेस को एक शार्प शेप देने के लिए। और फाइनली आप इधर लगाओगे सो दैट फोरहेड जिनके बड़े होते हैं थोड़ा छोटा लगेगा। तो हम इसे मिलाएंगे। मिलाने के लिए हमें ये थोड़ा वो टिल्टेड टाइप का ब्रश चाहिए होगा और हमें ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब वहां पे आपको कलर करना है, उसको शेडो करना है। इसको नीचे की तरफ ले जाना है, ऊपर नहीं ले जाना। और फिर हम ये वाला पोर्शन करेंगे, इसको भी आपको ऊपर की तरफ करना है, या फिर आप चाहो तो गोल गोल करके कर लो।
आप देख रहे हो सडनली मेरे चेहरे पे एक स्ट्रक्चर, एक शेडो सा फॉर्म हो गया है। ओके, अब मुझे इस चीज को मिलाना है, तो इसके लिए मैं इसे पिंच कर लूंगी और इसे हमें नीचे की तरफ करना है। हमारा कॉन्टोर करना, तो अब हम करने वाले हैं हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए मैं कंसीलर ही यूज करती हूँ, ऑलरेडी मेबेलिन एज रिवाइंड। इसको आप हाईलाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, कंसीलर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपका ये और ये पोर्शन हाईलाइटेड रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला पोर्शन वैसे भी अंदर है। कॉन्टोर और हाईलाइट को सेट, और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप स्टूडियो का ये हाईलाइटर, पाउडर हाईलाइटर और ब्रोंजर, क्योंकि एक्चुअली ये आपका आई शेडो पैलेट भी है और नीचे इन्होंने ये दिया हुआ है कॉन्टोर एंड हाईलाइटर किट। सो ऑब्वियसली मैं इसे यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि वो लाइट कलर है, तो हम हाईलाइट कर लेंगे आगे। तो हाईलाइट के लिए मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये लिया मैंने, थोड़ा निकाला एंड सिंपली जगह पे लगा लो जहाँ आपने हाईलाइटिंग की है। ये हो गया हमारा हाइलाइटिंग करना कंप्लीट। अब मैं करने वाली हूँ ब्रॉन्जर लगाने वाली हूँ जहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है। तो मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ एंड या मैंने ये लिया, थोड़ा निकाला और उस जगह पे लगाया और अब मैं इसे दूसरी साइड से मिला रही हूँ। सेम करेंगे हम थोड़ा सा सेट करना है, उसके लिए मैं फिर से ब्लू हेवन का मेकअप स्प्रे यूज कर रही हूँ। आज का मेरा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैं बोलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।